तीनू बलकवा हमनी के हवे खाली नामावाया लगा लगाबा। दोस्तों नमस्ते प्रणाम, आप सब कैसे हैं? हम लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एकदम अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं दोस्तों। तो दोस्तों स्वागत है हमारे चैनल नगांती सुनील चौहान ब्लॉग में और छोटे से प्यारे से हमारे सपनों के घर और प्यारे से फैमिली के साथ। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए और आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो शुरू करते हैं। अब बहुत कुछ आप लोग से आज जानना है हमें, क्योंकि रात को दो दिन से मैं सही से सोया नहीं था। रात को इतना प्यारा नींद लगा, अजीब अजीब सी सपना आने लगा, अब मैं उसका सोल्यूशन ढूंढते ढूंढते मैं ढूंढ भी नहीं पाया, तो इसीलिए मैं अब ब्लॉग बना रहा हूँ कि हमारा यूट्यूब फैमिली में हिंदू भैया भी मुस्लिम भैया भी सब देखते हैं, किसी ना किसी के पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन ज़रूर होगा जो मेरे को कन्फ्यूजन से निकाल सकता है। और दोस्तों देख सकते हैं अभी सुबह सुबह हम दोनों नहा के पूजा पाठ कर ली है, हाँ गोबर मिट्टी से ना, हाँ, और सूरज भगवान को भी जल दे दिए। आज नगांती जी से एक चीज़ सीखने को मिला कि कभी भी जल चढ़ाया जाता है तो दो लोटा चढ़ाया जाता है। किनको किनको जी? सूर्य भगवान को और चंद्रमा को, दोनों जी। अच्छा, एक ही साथ रहता है तो कुछ सीखी होंगी, सबका अलग अलग एक सीख है आज, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और ना जी कि किस राह पे चलना है अच्छे अच्छे से खुशियाँ में। आप देख सकते दोस्तों कितना हमारा प्यारा आकाश को दो डंडा मिला है, क्योंकि उस दिन आज बोला है जैसे कभी हम नहीं जाएंगे ऐसे बिना पूछे हुए, कैसे उदास है। देख सकते दोस्तों कितना छोटा है, नगांती जी का सब गलती निकलता है, क्योंकि मैं गया था काम पे, रो रहा था, मान गए दोस्तों, कितना सारा पढ़ाए समझाए, कैसे भी मैं समझा के गया था बेटा अभी रहो मैं बुलाऊंगा शाम को, क्योंकि मिथुन भी उस दिन चला गया था गोपालगंज ना किसी काम से, रात के टाइम 7:30 बजे कॉल किया कि मिथुन कहाँ हो, तो बोल रखे मैं गोपालगंज हूँ, नहीं तो मैं उसको बोल देता कि बाइक से लेके आओ और आकाश को खाना खिला कर नाश्ता मांग के दे दूंगा, क्योंकि छोटा बच्चा है समझ सकते दोस्तों। एक दिन मैं लेके गया, मैं ये सोच के ले गया कि नज़दीक आया है और वहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैं जो भी काम करते वहाँ पर वो सब अपना बुला के खिला उला देते हैं। अच्छी बात है जहाँ काम करते हैं तो शादी ब्याह में बच्चे कितना खुश होते हैं समझ सकते हैं। मेरा भी गलती है, इनका भी गलती है, कभी हम नहीं सोचे कि ये लोग चले अपने पापा के पास ना, ये दोनों भाई गए थे यहाँ पर जो तिलक आया था उसमें खाने के लिए सभी लोग बुलाए थे, तो मैं भी सोचती इन लोगों के साथ ये भी गए थे। हाँ, उस दिन यहाँ भी तिलक आया था ना, आई पापा के पास चला, चलो आपसे लेके चलूंगा, ये देखिए उदास होने लगा, हाँ जाते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी स्कूल का छुट्टी है इसीलिए अभी दिन भर घर पे रहते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, गर्मी के टाइम से समझ सकते कितना भी परेशानी है। और बाकी तो एकदम जब विजय को कॉल आया था जकास कहाँ है, तो मैं बोली जी खाना खाने गए हैं और एक चीज बड़ा खुश हुआ मैं, खुशी की बात है कि हमारे तीनों बच्चों को मेरा भी नंबर और नगांती जी की भी नंबर जवानी याद है, कहीं भी जाते हैं कभी भी कोई समस्या हो किसी के मोबाइल से कॉल कर देते हैं, तुरंत हमारे पास पहुंच जाता है कि आपका लड़का यहाँ पे है, आप आके ले जाइए। और सभी यहाँ पे अपने हैं ना जी, खास करके सब पहचानते हैं। आकाश का कितना तारीफ हो रहा था कि इतना छोटा बच्चा आप लोग दोनों का नंबर कैसे याद कर लिया है, कॉल कर रहा था कहाँ है पापा, हाँ जाके इस किसी के मेरा पापा के पास कॉल कर दीजिए, मैं यहाँ पे हूँ और उनको मैं ढूंढने आया था। उन्होंने कहा कि कितना समझदार बच्चे है, लेकिन फिर भी उन्होंने सिखाया कि रात में कभी भी बच्चे को इधर उधर जाने का अनुमति ना दीजिए आप लोग। मैंने बोला कि नहीं ऐसी आ गया होगा, हाँ मुझे इतना पता भी नहीं था जे चल जाएगा, देखिए अभी वादा किया है कि शर्मा भी रहा है, क्योंकि आप लोग का कितना कमेंट आया था, हाँ। बड़ा मैं कभी ऐसा गलती नहीं करूँगा, कभी भी मैं इसको जाऊँगा काम पे तो इसको समझा के जाऊँगा, कभी भी कहूँगा नहीं कि शाम को बुलाऊँगा। देखिए दोस्तों एक तुम बोला था कि शाम को आपको बुलाऊँगा, अकेले जाने लगा, सोचा होगा कि यहाँ पे जो तिलक आया है उधर भी जहाँ पे ये गया था वहाँ भी आया था, लेकिन हम लोग कहीं और गए थे काम करने, क्योंकि जगह जगह इसीलिए चला गया था, पापा को ढूंढ रहा था। चलिए इसको चाचा भी आए थे डांटे, बोले जे क्यों हमारे पास क्यों नहीं आए, कॉल कर देते हम बुला के ले जाते, चाहे अपनी चाची की बात, ये बोला जे उसी रास्ता से गए थे, रास्ता वही है घर से क्रॉस करते, मम्मी से बात बोलते कॉल कर देते, बात भी कर लेते
अकेले क्यों गए, सभी आदमी डांटे, हम भी डांटी, मेरी पापा भी उधर से आए थे फरमाए हैं, आप ही लोग भी बोले दुलाए के साथ साथ इसको पीटना भी चाहिए। चलिए दोस्तों अभी चलते हैं अपने खेतों में, अभी तो कुछ काम करेंगे नहीं उसमें क्योंकि धूप कुछ ज़्यादा ही तेज हो गया है। हाँ अभी खाना वाना नागांती जी बना दिए, क्या क्या बनाई है सब रियल लाइफ ब्लॉग में आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत टेस्टी टेस्टी एमी एमी आज खाना बनाई है शुक्रवार के दिन। तो चलिए अभी दिखाते हैं क्या क्या खाना बनाई है। तो दोस्तों देख सकते हैं अभी क्या क्या खाना बनाई है, कढ़ी और बड़ी और इधर चावल बना दी हैं, और थोड़ा सा इसको उघाड़े छोड़ देती हैं हल्का सा कि उसमें गीलापन ना रहे, तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हैं। अन्ना गांधी जी का भी अलग अलग सोच है, पता ना क्या कैसे कैसे सब सीखती रहती है। इधर देखिए, चलिए बाहर चलो आप लोग, अब घर में से निकल लीजिए, चलिए तो घर के पिछवाड़ा इधर छाया होगा, अभी हम सर खेत में भी नहीं गए काम कर। दोस्तों देख सकते हैं अभी गोबर मिट्टी से लीप लगाने के बाद कितना हमारा सपनों का घर कितना सुंदर लग रहा है। अभी घर में दोस्तों जो ब्लॉग बनाए थे थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा लग रहा होगा, तो क्योंकि थोड़ा बहुत साफ कैमरा अगर दिखता है तो आप लोगों को कितना अच्छा लगता है कल कमेंट सुन के मेरे को पता चला। इधर देखिए ना कि धूप में निकलने से आइए आइए, हाँ तो चलिए खेत में चलते हैं, वहाँ पीछे कुछ बात करनी आप लोग से, जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। कोई भी चीज़ अगर समझ में ना आए तो बड़ों से सलाह ले लेना चाहिए, क्योंकि हमारे वजह से हमारे बच्चे को भी कुछ ना कुछ सीख मिलता है, और कुछ क्या बहुत कुछ सीख मिलता है, तो कन्फ्यूजन दूर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों अभी ठंडा में चलते हैं उधर, इधर बहुत धूप है। दोस्तों देख सकते हैं अभी बकरी कैसे बैठी है इधर ठंडक में, इधर लगाती जी या तो बैठेगी। अन्ना गांधी जी बहुत डांटते रहती है मेरे को, पता ना आप लोग आप कैसा ब्लॉग बनाते हैं हमारे यूट्यूब फैमिली को अच्छा लगेगा कि नहीं, क्या कन्फ्यूजन है कैसे कैसे आप ब्लॉग बना देते हैं कि कमेंट आने लगता है। तो कोई नहीं, फिर भी मैं आप लोग से पूछूंगा ही, क्योंकि दोस्तों अगले हफ्ते मैं लेके गया था आकाश को, तो आकाश देखा जुम्मा के दिन बच्चों को उसी टाइम पे ले गया था, मेरे से लगा पूछने कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। मैंने एक नहीं हो जाता है कि जैसे तिलक शादी वादी आता है तो कितने बच्चे खुश होते हैं, और उसी हिसाब से नमाज़ पढ़ने सब जा रहे थे, तो आकाश पूछ दिया, मैंने बताया, तो बोल रहा है वो क्या होता है नमाज क्या होता है, तो ये सब तो मैं भूल गया था। लेकिन कल जो मैं गया था अपना श्यामपुर बाज़ार, वहाँ पे कुछ ऐसा हम लोग को मेरे को महसूस हुआ, और उसी डिजाइन से रात को मेरे को सपने में भी आया कि हमें ये सबसे क्या सीख मिलता है कि हमारा भगवान दो हैं कि एक ही हैं, और है तो सब नाम हो सकता है अलग अलग रख दिया हो आदमी ना, लेकिन भगवान तो एक ही हैं, फिर भी अपने बच्चों को जैसे आकाश पूछ दिया था तो क्या सीख देना चाहिए हम भी बता दे ना, तो बड़ा कन्फ्यूजन सी बात है। लेकिन फिर भी आप लोग अगर कमेंट में बता देते तो बहुत अच्छा बात है, क्योंकि हम लोग कभी भी आप लोग से कमेंट में जो भी सीखते हैं अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि आगे आके उनको बहुत अच्छा की सोच मिले और कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो दोस्तों प्लीज़ अगर ये बात मेरे को अच्छा लगा आप लोग को अच्छा लगा तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट में। दोस्तों देख सकते हैं अभी नागांती जी भी सोच में पड़ गई, कमेंट के इंतज़ार करेंगे हम लोग। और बड़ी और एक और भी ख्याल आया था अलग सी कि मान लेते हैं अभी हमारे जैसे शंकर भगवान कृष्ण भगवान, आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा क्योंकि आप लोग सोचेंगे ये सब का ब्लॉक में पूछ रहे हैं, तो क्योंकि आप लोग कमेंट करते हैं कि हमारा जो भी कमेंट आता है उसका एक ही रिप्लाई आप दे देते हैं, लेकिन फिर भी मैं पढ़ के अपना सोच समझ के जो अच्छा लगता है वही रिप्लाई देता हूँ, फिर भी आप लोग पूछ देते हैं सवाल। इसीलिए दोस्तों मेरा जो कन्फ्यूजन था आप सब लोग से पूछ लिया, क्योंकि हमारा ब्लॉग हिंदू और मुस्लिम भाई देखते हैं ना जी, तो आप लोग अच्छा ही हमें सीख देंगे जो हमें हर एक आगे जाने वाला हमारे बच्चे भविष्य में सब चीज़ सीखे आप लोग के कमेंट द्वारा। लेकिन अच्छा बताइएगा, और बुरा लग गया कोई बात अगर अच्छा ना निकल गया हो सब गड़बड़ा जाता है तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि क्षमा कर दीजिएगा। और एक चीज़ क्या पूछनी थी कि हमारा जो भी जैसे शंकर भगवान है मैया पार्वती हैं और विष्णु भगवान है लक्ष्मी मैया है, लेकिन फिर भी जब आलामिया का बात आता है तो उनका कोई भी रिश्तेदार पता ही नहीं चलता है, तो ये सब भी जो भी सीख है जैसे आप लोग बता देते तो बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग को कमेंट द्वारा हमें प्राप्त हो जाता तो अपने बच्चों को भी बताते सीख मिलता। तो चलिए दोस्तों फाइनली ये वीडियो यहीं पे एंड करते, मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हमारा ब्लॉग कैसा लगा जो आपसे
सबसे बात पूछा, अच्छा लगा कि नहीं ये तो हमें भी पता नहीं, आप लोग जब कमेंट करेंगे तब हमें पता चलेगा। तो चलिए दोस्तों प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। आइए वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और मैं जैसे इसके पहले बोला था कि नींद में वीडियो नहीं बनाऊँगा, लेकिन फिर भी आज मेरे को ब्लॉग बनाना है, क्योंकि नागांती जी कह रही थी दोस्तों कि आप एक छोटा सा प्यारा सा गाना ही सुना दीजिए अगर नींद में है तो। चलिए एक छोटा सा प्यारा सा सॉन्ग भी सुना देता हूँ जो आप लोग को एकदम बिल्कुल अच्छा लगेगा। चलिए सॉन्ग शुरू करता है। इधर देखिए काम कौन सी मिस्त्री गिरी कर रहे हैं। तो बच्चों के साथ ही एक सॉन्ग सुनाऊंगा प्यारा सा। सभे के हू के कही खुनावा, सभे के हू के ए कही खुनावा, धरा मावाया लगा अलगाबा, करा मावाया लगा अलगाबा, सभे के हू के ए कही खुनावा, धरा मावाया लगा अलगाबा, ए कही डोर में सबके हू बांधल, ए कही डोर में आ सबके हू बांधल, करा मावाया लगा अलगाबा, तीनू बलकावा हमनी के हमे खाली ना मावा, खाली नामवाया लगा लगाबा। तो चलिए दोस्तों प्यारा सा गाना कैसा लगा, हमारा छोटा सा परिवार कैसा लगा, प्लीज़ आशीर्वाद अपना आप बनाए रखिएगा, और ऐसी हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे। जो भी एक दो सब अच्छा ना लगा हो और कोई भी चीज़ कमी लगा हो वीडियो में, प्लीज़ कमेंट पर बताइएगा, उसको हम लोग सुधार करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में।